हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे यार? सो इस बार जो हमारी फोटो एडिटिंग होने वाली है कुछ इस तरीके की होने वाली है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एकदम नेचुरल सी फोटो एडिटिंग लग रही है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा नेचर कॉन्सेप्ट। सो यारा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो को जरूर से देखना पड़ेगा, मतलब आप बीच में स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारी जो फोटो एडिटिंग है ना काफ़ी ज़्यादा रियल होने वाली है एंड काफ़ी एक्चुअली में होने वाली है। सो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना होगा, जो कि हमारा फुल एचडी बैकग्राउंड है, एंड डाउनलोड करके इसको पिक्सआर्ट के डॉट टूल में ओपन कर लेना होगा, क्योंकि हम इसमें इसलिए ओपन करके ताकि शेडो इसमें काफ़ी अच्छी बन जाए। सो सबसे पहले हम इम्प्रेस लेयर होती है, इसमें हम अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे। सो गाइस, इसका बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, एंड गाइस आपको ये फोटो को जिस तरीके से बैठ के क्लिक करा लेनी होगी, ठीक है। एंड आपको नहीं पता बैकग्राउंड कैसे क्लियर करते हैं तो हमेशा की तरह आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे प्रॉपरली देख के बैकग्राउंड कैसे क्लियर करते हैं आप पता चल जाएगा। सो यहाँ पर मैं इसकी शेडो बनाने के इम्प्रेस लेयर चूज़ करूँगा एंड फोटो के नीचे रखूँगा सिंपली, एंड यहाँ से थर्ड वाली पेंसिल सेलेक्ट करूँगा एंड इसे साइज सेलेक्ट कर लूँगा, ओपेसिटी हल्की सी कम कर दूँगा इस तरीके से, एंड सेट करके सिंपली क्या करेंगे शेडो बना लेंगे। सो गाइस, हमारी शेडो कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसकी हल्की सी ओपेसिटी यहाँ से कम कर दूंगा एंड इसके बाद फोटो यहाँ से डन कर लेंगे। सो इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ से गाइस ऐड फोटो की तरफ। सो ये वाले पिजन की फोटो है, इसको हम ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसको फ्लिप कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, एंड मैं अपने हैंड पे लगाऊंगा इस तरीके से, ताकि ऐसा लगेगा कि हमारे हैंड पे बैठ रहा है ये। इस तरीके से आपको भी सेट कर लेना होगा इसे, एंड ये डन हो चुका है। एंड अब मैं ये ऐड फोटो भी जाऊँगा एक और बार, ये अलग फ्लेम मतलब ओवरले है, इसको यहाँ पे ऐड करूँगा ये बैकग्राउंड के हिसाब से, ये पूरा आपको इस तरीके से फुल कर लेना होगा, ठीक है। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे तो आप देख सकते हैं सन मतलब सन की जो शाइनिंग है वो आ रही है हमारी फोटो के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा टोन दे रही है हमारी फोटो के अंदर। सो अब अगेन मैं ऐड फोटो पे जाऊँगा इसको डन करके यहाँ से। सो याला पीएनजी है, एक मैं दिखाता हूँ आपको, याला पिजन का पीएनजी है, इसको यहाँ पर सिंपली ऐड करूँगा। सो एक पीएनजी मतलब एक पिजन का पीएनजी मैं राइट साइड लगाऊँगा इस तरीके से, एंड इसका डुप्लीकेट करके मैं इसको फ्लिप कर दूँगा एंड लेफ्ट साइड लगा लूँगा। सो गाइस, ऐड फोटो पे जाके मैं याला पीएनजी है इसको भी ऐड कर लेंगे, ओवरले एक तरीके की जो सन की शाइनिंग होती है वही है ये। सो इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करेंगे तो आप देख सकते हैं फोटो की कितनी अच्छी लग रही है इसको लगाने के बाद, एंड इसको डन कर लेंगे। सो एक और ओवरले लगाएंगे यहाँ पे डार्क विंगनेट का, ये वाला है जो कि। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको फोटो के ऊपर सेट कर लूँगा, एंड इसका ब्लेंडिंग मोड जो हमें करना है वो ब्लेंड मतलब मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर ये लग चुका है, अब यहाँ पे हम डन कर देंगे एंड फोटो हमारी रेडी हो चुकी है गाइस। अब इसमें हम लाइट रूम में चल के इसमें मस्त वाली एडिटिंग करते हैं। सो सबसे पहले इसको सेव कर लेंगे एंड चलते हैं लाइट रूम की तरफ। सो गाइस, लाइट रूम में मैंने फोटो को ऐड कर लिया, आप तो देख सकते हैं। सो इसमें मैं अपनी प्रीसेट है एक, उसकी एडिटिंग इसमें अप्लाई करूँगा। सो उसके लिए मैं जाऊँगा प्रीसेट की तरफ यहाँ से। सो गाइस, जो हमारा प्रीसेट है वो है नेचर कॉन्सेप्ट प्रीसेट, आपको ये लिंक मिल जाएगी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा इधर है। एंड इसकी एडिटिंग को कॉपी करने के लिए आपको पता ही होगा कि सिंपली कुछ नहीं करना होता है, जो थ्री डॉट दिख रहे हैं आपको सिलेक्टेड टूल के बराबर में सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड जो इसकी कॉपी सेटिंग होगी उसको कॉपी कर लेना है यहाँ से सिंपली, एंड जो भी ऑटोमेटिक टिक होंगे इन्हें टिक रहने देना है, एंड सिंपली राइट पे क्लिक कर देना है जो ऊपर को दिख रहा है आपको ऑप्शन, एंड सेटिंग कॉपीड हो जाएगी। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी मतलब नॉर्मल सी फोटो है इस पर हम अप्लाई कर देंगे इस वाले प्रीसेट को। अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एक बार थ्री डॉट पे जाएंगे सिंपली इस तरीके से, एंड इस बार कॉपी सेटिंग नहीं करना, हमें पेस्ट सेटिंग करना है क्योंकि हमने वहाँ से कॉपी करी एंड यहाँ पर पेस्ट करना है इसे। सो गाइस, वन क्लिक में हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर ये देखिए, बट इसमें हम थोड़ा बहुत इसमें एडिटिंग और करेंगे। सो एडिटिंग करने के लिए हम आपको पता ही होगा हम जाएंगे सिलेक्टेड टूल पे, बट आपको मैं दिखा रहा हूँ कितनी फुल एचडी बैकग्राउंड है एंड कितनी मस्त एडिटिंग हुई है इसके अंदर। सो इसकी आगे की एडिटिंग करते हैं। सो सबसे पहले मैं जाऊँगा सिलेक्टेड टूल के ऊपर, सो यहाँ पर विग्नेट मार दूँगा मतलब ग्रेडर मार दूँगा नीचे की साइड से। सो यहाँ से मैं इसको मार देता हूँ, सो इसे क्लियरिटी बढ़ा दूँगा हल्की सी एंड एक्सपोजर इसका कम कर दूँगा, शेडो बढ़ा दूँगा
कॉन्ट्रास्ट भी कम रखेंगे। सो एक वीडियो में मैं लेफ्ट साइड से मार दूंगा, सो यहाँ से डार्क एरिया होगा थोड़ा हमारा, एंड जो वहाँ जहाँ से सन की शाइनिंग आ रही है वहाँ से हम लाइट एरिया देंगे। सो सिंपली एक ग्रेनेड हम सन साइड मार देंगे इस तरीके से, एंड इसका एक्सपोजर बढ़ाएंगे, एंड इसका टेम्परेचर हमें वार्म टोन में रखना है, सो टेम्परेचर इसका प्लस कर देंगे। सो इसे डन कर लेंगे। एक मैं सर्कल चूज़ करूँगा यहाँ से सेलेक्टेड टूल में आके फेस में मार दूँगा ताकि फेस हमारा शाइन कर ले। सो इसके लिए एक्सपोजर बढ़ा देंगे इस तरीके से। सो अभी इसे डन कर लेंगे यहाँ से। सो ऐसे हमारी फ़ोटो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप अगर मैनुअली भी एडिट करना चाहते हैं तो मैं इसकी एडिटिंग दिखा देता हूँ आपको, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं एडिटिंग बिना प्रीसेट को अप्लाई करें। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। या फिर गाइस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीसेट को डाउनलोड करें, वन क्लिक में एडिट भी कर सकते हैं। सो गाइस आप लोग समझ चुके होंगे कैसे कैसे एडिट हुई। सो अब मैं दिखाता हूँ इसका बिफोर, ये देखिए। एंड जो बिफोर में हमारी फोटो कुछ इस तरीके थी पिक्सार्ट के अंदर, एंड आफ्टर फोटो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ ऐसी बन गई हमारी, जो कि एकदम काफ़ी ज़्यादा रियल लग रही है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। सो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ गाइस आपको। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं पिक्सल की क्वालिटी कितनी HD है, एंड पता नहीं यूट्यूब पर इतनी HD दिख रही है नहीं दिख रही, क्योंकि वहाँ पर 480p का ही ऑप्शन है सिर्फ अभी। सो ये देखिए। सो गाइस आई होप यार वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर कि आप लाइक करेंगे, एंड लाइक करोगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देख लेते हो, ठीक है। एंड बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड बाकी इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर आपको कुछ भी मैसेज वगैरह करना है या एडिटिंग से रिलेटेड, सो उसको कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो मुझे। सो बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। With the